एमआईडीसी से लापता हुई 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काम दिलाने के बहाने स्थानीय महिला उसे गुजरात ले गई थी। वह दलाल की मदद से उसे 1,00,000 रुपए में बेच दिया गया और जबरन उसका विवाह करवाया गया। पकड़े गए आरोपियों में रमाबाई आम्बेडकर नगर जैताला निवासी विशाखा प्रदीप बिस्वास मोंडसा, अरवली गुजरात निवासी निखिल गिरीश पटेल और प्रकाश मेधा वनकर का समावेश है। पीड़ित किशोरी वानाडोंगरी परिसर में रहती है और 11वीं कक्षा की छात्रा है। 16 दिसंबर 2021 को मां अपने काम पर चली गई। इस दौरान किशोरी घर से गायब हो गई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि किशोरी जैताला परिसर में रहने वाली विशाखा के संपर्क में थी। पुलिस ने विशाखा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन कॉल डिटेल्स और टॉवर लोकेशन से पता चला कि वह गुजरात गई थी। कड़ी पूछताछ में विशाखा ने रात से पर्दा उठाया। कपड़े की दुकान में काम दिलाने के बहाने विशाखा किशोरी को अपने साथ अहमदाबाद ले गई। वहां जाकर उसने किशोरी को 5 दिनों के लिए एक युवक से विवाह करने को कहा। पीड़िता ने इनकार किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। दलाल निखिल पटेल की मदद से किशोरी का सौदा 1,00,000 रुपए में किया गया। प्रकाश के साथ जबरन विवाह कराया गया। तुरंत एक टीम गुजरात रवाना हुई। पहले निखिल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद प्रकाश को पकड़ा गया। पीड़िता ने जांच के दौरान बताया कि जबरन शादी करवाकर उसे प्रकाश के सुपुर्द किया गया। प्रकाश ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए पुलिस ने अपहरण की धाराओं के साथ दुष्कर्म, बाल विवाह कानून और पोक्सो एक्ट के तहत विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आपल्याकडे 16 डिसेंबरला एक 16 वर्षाची मुलगी मिसिंग झाल्याची तक्रार आली होती। 17 तारखेला आम्ही तो कलम 363 भादवीप्रमाणे गुन्हा नोंद करून घेतलेला होता। त्यानंतर तिचा शोध घेतला पण ते कुठे मिळून आले नाही। नंतर आम्हाला गुप्त बातमीदारामार्फत माहीत झालं की ते आपल्या एका मैत्रिणीच्या माध्यमातून एक विशाखा प्रदीप विश्वास नावाची महिला आहे, जी सोमवारी क्वार्टरला राहत होती। जवळपास तिचं वय 35 वर्ष आहे। तिला ती नोकरी लावून द्यायच्या बहाण्याने अहमदाबादला घेऊन गेली होती गुजरात येथे, आणि त्यावेळेस मग तिला त्या नोकरीच्या बहाण्याने घेऊन गेली। परंतु तिथे नेऊन तिने एका व्यक्तीशी तिचं जबरीने लग्न लावून दिलं आणि त्याला विकली। त्याच्याकडून तिच्या माध्यमातून जे गुजरातला गेल्यानंतर तिथे काही मित्रमैत्रिणींकडे होते, त्यांचे कॉन्टॅक्ट नेहमी झाले। इकडून मुली घेऊन जायचे, तिकडे घेऊन ते विकण्याचा प्रकार करायचे, जबरीने लग्न लावून द्यायचे, मग त्यांच्याकडून ते जी काही रक्कम आहे त्या मोबदल्यामध्ये ते घ्यायचे। डीसीपी लोहित मतानी और एसीपी दीपक वंसारी के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर उमेश बेसरकर, एपीआई शारदा भोपाली, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, राजेश, विजय, रविंद्र जाधव और सचिन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।